हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल गुड केयर ऑफ यूर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को राइट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी जिंदगी में ऑफकोर्स अगले दस दिन किस तरह से होंगे सो ऑफकोर्स इट विलेस कलेक्टिव फॉर ऑल एंड इट इज अल प्रोडिक्शन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो मच फॉर me. सो यूनिवर्स फिर Guides, प्लीज गाइड guide करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे ओके सो लेट्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में अगले दस दिन किस तरह से होंगे okay, so देखो इस दस दिन में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो डेफिनेटली आपको जो है एक गाइडेंस तो ज़रूर देंगे कि आपको इस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चलना चाहिए ये आ रहा है वो हो सकता है और हम आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको भी एनालाइज करेंगे पहले देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट टेन डेज टेन इज़ द नंबर फॉर द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज सो डेफिनेटली सिलेक्ट किया जाता है कि दस दिन में क्या होगा सो यूनिवर्स वेट गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके जिंदगी में अगले दस दिन में क्या हो सकता है ओके सो वी डू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओके यहाँ पे है हमारे पास सिक्स ऑफ एथम्स ओके वी डू हैव सेवन ऑफ कप्स वी डू हैव द नेचर वी डू हैव किंग ऑफ कप्स आई होप यू कैन सी द कार्ड वी डू हैव दर्वेस्ट दट इज बॉटम ऑफ द हमारे पास है एस ऑफ come. ब्यूटिफुल पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वृक्ष मकर राशि एक्वेरा जमुनाई लीब्रा तुला राशि कैंसर पैसे स्कॉर्पियो कार्ड वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है कैप्रिकॉन मकर राशि कैंसर पैश स्कॉर्पियो कर ब्रिशिक और मीन और डेफिनेटली एरीज एंड स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट नंबर्स है सिक्स नाइन फिफ्टीन सेवन ट्वेंटी सिक्स नाइन फिफ्टीन ट्वेंटी एंड सेवन आपके प्रेजेंट सिचुएशन किस तरह से है आपके वर्तमान हालत किस प्रकार है यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है वट इज देयर करेंट सिचुएशन ओके वी डू हैव दिल ऑफ द इयर वी डू हैव किंग ऑफ कब्स किंग ऑफ कब्स यहां पे भी और यहां पर भी मतलब जो भी आप सोच रहे हो ना वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा ओके वी डू हैव फाइव ऑफ वर्ड्स एस ऑफ कब्स देखो एस ऑफ कब्स और किंग ऑफ कब्स ठीक है Alright. Ace of Wands. यहाँ पे है the Moon card. Bottom of the deck we do have the Five of Cups. आपके present situation कुछ इस प्रकार है. दुखी हो भाई किस हालत में आप दुखी हो जाते हो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रही है कुछ चीजों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग भी है गलतफहमी भी है ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं आ रहा है और आप तहकीकात कर रहे हो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो बहुत कुछ आप ऐसा कर रहे हो जैसे लग रहा है कि आप आप अगर नहीं करेंगे तो शायद ये मौका किसी और के पास चला जाएगा या आपको हो सकता है कि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिला है लेकिन आपको मिला है बोलकर बहुत सारे लोग जेलेसीज के वजह से आपसे खफा हो गए और आपके अपने नहीं आपका साथ छोड़ दिया क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आपको कैसे मिल गया ठीक है एंड सो दे लेफ्ट बट वो आपकी गलती नहीं थी ठीक है आप तो कोऑर्डिनेशन में ही चलना चाहते हो आप आपके इस तरह से नेचर है कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हैं आप डिटरमाइंड भी है कि ठीक है मुझे अगर पैसा दिया जा रहा है कंपनी से तो मैं तो इतना ही काम करूंगा या करूंगी इसे ज़्यादा भी मैं कर लूँगा उससे क्या है फ़ायदा अगर सबको हो रहा है तो उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आप ऐसा नहीं है कि इतना पैसा है तो इतना ही काम करेंगे आप उतना भी प्रोफेशनलिज्म स्टैंडर्ड्स नहीं दिखाते बट इरेस्पेक्टिव ऑफ योर क्वालिटीज पीपल डू नॉट गिव यू दैट यू कैन से दैट रिवॉर्ड ओके okay, सो so मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि आप कोई न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट करना चाहते हैं आप एक फ्री फ्लोइंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं आपको उस रिलेशनशिप में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए बंधन नहीं चाहिए कि कोई आपको जकड़ के और पकड़ ले ठीक है और फिर वो अपनी हुकूमत के जो है पैरों तले आपको कुचल के चले जाए ऐसा तो बिल्कुल आप नहीं चाहते हो प्यार के मामले में आप सेंसिटिव हो क्योंकि आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं है आपको ऐसा लगता जरूर है कि हाँ सही हो जाएगा आने वाले दस दिन में आपको खुशी का छाड़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है बारिश होगी खुशी होगी किस तरह से हो सकता है कि बहुत कम्प्लेक्स वर्क क्रिटिकल वर्क कम समय में ही हो जाए मे बी विद इन द नेक्स्ट टेन डेज इट विल भी डेफिनेटली गेटिंग ओवर और आपका हेड खत्म होगा कुछ अगर आपके इश्यूज चल रहे थे रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ प्रेशर्स कि आपको दिया जा रहा है था असाइनमेंट कुछ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे थे वो भी कोऑपरेट करेंगे आप अपने टास्क को अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे प्रेजेंट करेंगे लोगों के सामने अगर आप एक स्पीकर हैं तो आप अपने वर्ड्स को कम्युनिकेट करोगे इतने अच्छे से कि लोग जैसे मतलब हैरान हो जाएंगे मतलब इस तरह से दे विल बी लाइक यू नो मिसमराइज बाई योर स्टेटमेंट्स अगर आप एक राइटर है अगर आप एक पोइट है अगर आप कुछ लिखते हैं ठीक है तो भी आपके जो रिटर्न वर्ड्स होंगे स्टेटमेंट्स होंगे हो जाता है कुछ लोगों आप बुक आप पब्लिश भी कर लो और पढ़ने के बाद ऑडियंस का जो रिव्यू है ठीक है रीडर्स का जो रिव्यू है वो तो डेफिनेटली इट विल बी लाइक यू बी सो हैपी फॉर देट हो सकता है कि आप ऑनलाइन में ही पब्लिश करें कुछ बुक्स नहीं मे भी सम काइंड ऑफ रिटन आर्टिकल्स और समथिंग या आप कुछ लिखते हैं कोई ड्रामा क्रिएट करते हैं उस तरह से ड्रामा में लोग एक्टिंग करते हैं मतलब यू पब्लिश समथिंग इफ योर अ पब्लिशर लाइक उस तरह से मे बी इफ यूर अ वीडियो क्रिएटर और कंटेंट क्रिएटर तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई चीयर्स ऑफ मोमेंट आपके लिए जरूर होगा यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया चेयर्स एंड चेयर्स आर कमिंग फॉर यू सो so, चेयर्स चेयर्स आर यू फ्रेंड्स सो so, चेयर्स अगेन वंस मोर तो आपके लाइफ में जैसे मैंने आपको कहा एनी टाइप ऑफ न्यूज़ दैट फ्रेंड इज गोइंग टू गेट एंगेज मे बी यू आर गोइंग टू गेट एंगेज मे बी समन इज गोइंग टू हैव बेबी अन इन द फॉर्म ऑफ गुड न्यूज़ एंड ब्लेस्ड ओके ऐसे हो जाता है कि जो भी घर में आपके बच्चे आने वाले हैं उसके अंदर एक बहुत सारा आध्यात्मिक भाव आप देखेंगे गुड क्वालिटी इज़ फाइंड इन साइड दैट बेबी यू विल फाइंड लाइक दैट जो आपके बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस है या आप आपने बहुत ज़्यादा आपने सोच लिया है उस बच्चे के बारे में आप कैसे परवरिश करेंगे कैसे बड़ा करेंगे उसके साथ ऐसा ऐसा आप करना चाहेंगे उसका फ्यूचर सिक्योर हो तो ये सब कुछ चीज़ आप प्लान करना भी शुरू कर सकते हैं यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म क्रिएट करना है बहुत सारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मुझे नौकरी देना है उनको मुझे अपने काम के लिए भी मुझे उनका सहायता की ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उनको ले लूँगी अपने जगह पे या ले लूँगा वट तो उसी तरह से आपका एक क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ विद इन द नेक्स्ट टेन डेज़ फ्लो होता रहेगा एंड डेफिनेटली विल कम इन टू द मेन पिक्चर ऑल्सो सिर्फ आप सोचेंगे नहीं उसको आप एक्शन में भी लेके आएंगे प्रॉपर जजमेंट आपको मिलने वाला है जो आप हकदार हैं ना वो हक आपको मिलेगा कुछ ड्यूज़ या कुछ पेंडिंग था आपका वो क्लियर हो जाएगा किसी ने आपसे उधारी लिया था तो वो डेफिनेटली पे बैक कर देंगे अगर गलती से किसी के भी अकाउंट में चला गया था कुछ इस तरह से भी हुआ होगा तो भी यू विल गेट द रिफंड उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके सो दिस इज इट ना लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स क्यूब्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट टेन डेज वट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर श्योर यू रिवर्स पे प्लीज गाइड करें अगले दस दिन क्या हो सकता है यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज गाइड करें अगले दस दिन में आई आई टोल्ड यू दैट डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गेट स्टेबल ओके मॉनेटरी रिवर्स फाइनेंशियली एक्सपोनेंशियल राइज हो सकता है ठीक है एंड बढ़ोती हो सकती है आपकी इनकम में आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिल सकता है रिलेशनशिप में आप फिट रह सकते हो कहीं पे घूमने के लिए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है जा सकते हैं अच्छा गुड फूड रिक्रिएशन एंटरटेनमेंट फेस्टिवल्स उस तरह से मौज मस्ती वाला चेयर सब मोमेंट ही दिख रहा है मैं क्या करूँ बताओ ओके okay. <laughs> तो खुश हो जाओ फिर सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज रीडिंग गाइस आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर बींग विद लव विल लॉट टेक केयर ऑफ योर सेफ एंड बाय